सामान्य सभा में भाजपा पार्षदों ने जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर अधिकारियों पर निशाना साधा तो वहीं भाजपा पार्षद ने सदन में अपनी बातें रखी। दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा में दुर्ग के भाजपा पार्षदों ने सदन शुरू होने के साथ ही सत्ताधारियों पर निशाना साधते हुए जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया। विरोध से भरे स्लोगन के साथ तख्ती पकड़कर सामान्य सभा सदन में हुए शामिल, तो वहीं भाजपा पार्षद ओम प्रकाश सेन ने अपनी पीड़ा सदन के सामने रखी। जिस तरह से दुर्ग निगम की सामान्य सभा में सिर्फ दो एजेंडों पर चर्चा की जानी थी, मगर सिर्फ और सिर्फ जाति प्रमाण पत्र को लेकर सदन में काफी देर तक पक्ष और विपक्ष सदन में आपस में भिड़ते नजर आए। इसके साथ ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए अपनी अपनी बातें कहते नजर आए। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र के लिए निगम को प्राप्त 393 आवेदनों को सदन द्वारा अनुमोदित करते हुए SDM कार्यालय भेजे जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नगर निगम अपनी प्रक्रिया को पूर्ण करके पहले मेयरिंग काउंसिल से, फिर सामान्य सभा से, फिर जिला प्रशासन को भेजा जाता है शासन में। तो जिसमें 161 पात्र हितग्राहियों का पिछली सामान्य सभा में भेजा गया था, जिसके बहुत से पात्र हितग्राहियों का जाति प्रमाण पत्र बन भी गया, जो कि विपक्ष को ने आज बार बार ये कह रहा था किसी का नहीं बना, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन होता है, इसकी जानकारी ऑनलाइन ही प्राप्त होती है। बहुत से हितग्राहियों का इसमें बन चुका है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसको सरलीकरण कर बहुत से लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जिनके द्वारा ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया, आज भले ही सदन में वो इतना हल्ला कर रहे थे, लेकिन आज तक जो 161 पात्र हितग्राहियों का हमने भेजा था, कितनी बार विपक्ष के लोगों ने आके महापौर से मिला, कमिश्नर से मिला, मैं तो बता रहा हूँ मेरे से एक बार भी नहीं मिला कि इनका नहीं बना, इनका नहीं बना। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो किनका नहीं बना के बारे में पूछने कितनी बार महापौर के पास गए, कमिश्नर के पास गए और कहीं अन्य गए। ये सिर्फ विरोध के नाम से विरोध करते हैं ये लोग, और बाकी कुछ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।